गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? बढ़िया हो? हाँ, अभी हमारा हिंदी का पीरियड है और आप सब दूसरी कक्षा में हो, ठीक है? तो बच्चों, इससे पहले हमने पाठ क्रमांक 10 में ओ की मात्रा का अध्ययन किया था, ठीक है? ओ की मात्रा की हमने पहचान की थी, उसका इस्तेमाल किस प्रकार से हमारी भाषा में किया जाता है इसका हमने अच्छे से अध्ययन किया था, ठीक है? तो आज हम नई मात्रा का अध्ययन करने वाले हैं, जो हमारा पाठ है 11, ठीक है? तो हमारा पाठ है 11, जिसमें मात्रा है औ की मात्रा। कौन सी मात्रा? औ की मात्रा, ठीक है बच्चों? तो यदि आप सभी वर्णों को औ की मात्रा लगाओगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। देखो, हमारा पाठ है 11वां, यानी कि 11 नंबर औ की मात्रा, और आज हम औ की मात्रा की क्या करने वाले हैं? पहचान करने वाले हैं, ठीक है बच्चों? हाँ, और एक हम कहानी भी पढ़ने वाले हैं। आपको अच्छी लगती है कहानियाँ? हाँ, मुझे मालूम है आपको बहुत अच्छी लगती है कहानियाँ, ठीक है? तो देखो बच्चों, ये जो औ की मात्रा है, यदि हमने क वर्ण को लगाए तो वो बन जाएगा कौ। क्या बन जाएगा? कौ। यदि हम ख को औ की मात्रा लगाएंगे तो वो बन जाएगा खौ। उसके बाद ग को लगाएंगे तो बन जाएगा गौ। उसके बाद घौ। उसके बाद चौ। यानी कि हम क से लेकर श्र तक सभी वर्णों को औ की मात्रा लगाने वाले हैं, ठीक है बच्चों? लेकिन मैंने क से लेकर च तक आपको दिखाई है इधर। आप इसके आगे च से लेकर श्र तक आपको लगानी है मात्रा, और ये आपका क्या है? होमवर्क है, ठीक है? पर ये सब कैसे लिखोगे? अच्छे हस्ताक्षर में लिखो, ठीक है बच्चों? हाँ, आप एक बात और ध्यान से देखो कि हम क को यदि औ की मात्रा लगाएंगे तो हम किस प्रकार लगाएंगे, ये देखो। तो वो बहुत ही आसान है, ठीक है? ख को लगाएंगे तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे देखो, यदि हम क को, यह हमारा क वर्ण है, ठीक है? इसको हम कौन सी मात्रा लगाते हैं? कौ की। तो कौ की मात्रा कैसी आती है? देखो, 1, 2 और 3, यानी कि 2 मात्रा ऊपर आती है, ठीक है? और ये बन जाएगा, यह क है। इसके बाद ये स्टैंडिंग लाइन जो है, खड़ी रेशा है, वो आएगी, और इसके बाद इसके ऊपर आएगी औ की मात्रा, ठीक है बच्चों? आप कंफ्यूज हो जाइए, यहाँ पे आप कैसे लिखोगे? क के ऊपर यदि आप लिखोगे इस प्रकार, तो ये बन जाएगा कई, पर ये क्या है? ये रॉन्ग है, ये औ की मात्रा नहीं है, ठीक है? इसके बाद यदि आप ग, घ ऐसे अक्षर देखेंगे ग, तो यह ग वर्ण जो है इसको अलग से क्या है? खड़ी लाइन है। तो पहले हमें क्या करना है? ग यह वर्ण अच्छे से लिख कर लेनी है, ग, ठीक है? इसके बाद यह वर्ण हो गया है हमारा ग, इसके बाद हम यहाँ पे खड़ी लाइन लेंगे और इसके ऊपर ये 2 मात्राएं लगाएंगे, तभी हमारा ये गौ। हाँ, तभी हम ग को क्या लगाएंगे? औ की मात्रा लगा सकते हैं। यदि हमने इस प्रकार लिखा ग के ऊपर की 2 मात्रा, तो ये बन जाएगा कई, और ये क्या है? औ की मात्रा नहीं है, ये ऐ की मात्रा हो गई है। ध्यान से देखो बच्चों, ये जो हमारी स्टैंडिंग लाइन है, यह हमारा ग वर्ण है, और उसके बाद हमें यह मात्रा लगानी है, ठीक है बच्चों? अच्छे से ध्यान में आ गया? वेरी गुड। अच्छे से लिखेंगे, उनको मैं क्या देने वाली हूँ? बड़ा स्टार। तो आपको सभी को बड़ा स्टार चाहिए 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 ना? हाँ, तो इसके बाद हम देखने वाले हैं हमारा पेज नंबर 61, जो कि हमारा कौन सा औ की मात्रा का लेसन है, हमारा पार्ट है, ठीक है बच्चों?
तो यदि आप पेज नंबर 61 देखोगे तो यहाँ पे कुछ चित्र दिखाई देगी। तो यहाँ पे चार चित्र है, कितनी चित्र है? चार। तो पहला चित्र है औरत का, उसके बाद है औजार, उसके बाद है पौधा और उसके बाद है लौकी। तो यहाँ पे इस वर्ण को औ की मात्रा लगाई है तो ये बन गया पौ, और उसके बाद धा, यह वर्ण आ गया ध अधिक आ, आ की मात्रा, ठीक है। उसके बाद यह है लौकी, लौकी यानी कि ल को औ की मात्रा लगाई है और ये बन गया लौकी। तो बच्चों इस प्रकार आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। इसके बाद हमारी बारी आती है बोल बोल कर पढ़ो, ठीक है। तो बोल बोल कर पढ़ो यानी कि आपको क्या करना है, जो है ये शब्द जो है ये अच्छे से आपके नोटबुक में लिखने हैं। देखो बच्चों मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिए हैं, मैंने एक से लेकर पांच तो आपको अच्छे से लिख के दिए हैं, है ना। हाँ, और छह सात और आठ ये तीन शब्द जो दो वर्ण में है वो आपको छुड़ाने हैं। हाँ ठीक है, तो अगर पहला शब्द कौन सा है जो कि दो वर्णों का है, कितने वर्णों का है? दो वर्णों का, दौड़, खाल, चौक, शौक, मौसी, इस प्रकार पढ़ पढ़कर आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद पारी आती है हमारे तीन वर्णों के शब्दों की, तो यहाँ पे है कचौड़ी, यह शब्द मैंने लिख के दिया है और 10 से लेकर 16 तक शब्द आपको छुड़ाने हैं, ठीक है। इसके बाद पारी आती है हमारे चार वर्ण के शब्दों की, जिसमें कितने वर्ण है? चार वर्ण है। तो देखो चो को औ की मात्रा लगाई, की दा र, चौकीदार, ठीक है। उसके बाद का शब्द है सौदागर, कौन सा शब्द है? सौदागर। उसके बाद का शब्द है नौजवान, उसके बाद का शब्द है जौनपुर, ये एक गांव का नाम है जौनपुर, ठीक है। तो इस प्रकार ये सब चार शब्द है चार वर्णों के, जो कि मैंने आपको अच्छे से लिख कर दिए है। हाँ बच्चों, तो आपको यह बोल बोल कर पढ़ो, इसमें से लगभग 20 शब्द लिखने हैं। कितने शब्द लिखने हैं? 20, जो कि आपको पेज नंबर 61 पर दिखाई देते हैं, ठीक है। और एक बात है, ये जो औ की मात्रा है ना, इसका उच्चारण जो होता है वो अ उ इस प्रकार होता है, औ। हाँ, इसमें अ और उ इन का मिलाप होता है, तो ये जो उ होता है ये छोटा वाला उ होता है, ठीक है। औ इस तरह से दीर्घ, इसका उच्चारण बिल्कुल नहीं होता। ये कैसे उच्चारण होता है? औ, इस प्रकार उच्चारण होता है औ, बिल्कुल। तो इसकी आप अच्छे से क्या करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हमारी पढ़ाई अभी हो चुकी है, अब हम क्या करने वाले हैं? हाँ, आज हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं। हाँ, आपको अच्छी लगती है कहानी, मुझे मालूम है। हाँ, तो यदि आप पेज टर्न करोगे तो पेज नंबर 62 पर आपको एक चित्र दिखाई देगा, और इस कहानी का हमारे नाम क्या है मालूम है आपको? हाँ, हमारे इस कहानी का नाम है मनमौजी। क्या है हमारी कहानी का नाम? मनमौजी। हाँ, तो इस शब्द में भी देखो यहाँ पे औ की मात्रा आई है ना, देखो यहाँ पे यह है औ की मात्रा। हाँ बच्चों, तो यह मनमौजी कहानी का अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों यदि आप देखोगे तो अब हमारा जो पिता है रोली, हाँ, हिंदी पाठमाला भाग एक, हाँ, तो इसमें आपको यहाँ पे कुछ चित्र दिखाई देंगे। तो इस चित्र में देखो ये एक बच्चा है छोटा सा, और ये बहुत चलाती है, इसने क्या किया है, इधर उधर सामान बिखरा पड़ा है, उसने सामान यहाँ पर यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है उसके कमरे में, ठीक है। वहीं पे दूसरा चित्र है, तो दूसरे चित्र में क्या है, एक जादूगर है और वो टोपी से क्या निकल रहा है, ये कौन है? खरगोश है, और वहाँ पे तीनों बच्चों ये जादू के खेल देख रहे हैं। इसके बाद के जो
चित्र है, तीसरा जो चित्र है, इसमें आप यदि देखोगे तो यह जादूगर यहाँ पे खड़ा है और ये तीनों बच्चों उसको बाय बाय करके एक औरत के साथ चले जाते हैं। तो ये औरत कौन है मालूम है आपको? अभी नहीं मालूम होगी, जब हम ये कहानी पढ़ेंगे तब हमें ये मालूम हो जाएगा। तो ये छोटा बच्चा है, इसका नाम भी क्या है ये भी हमें मालूम नहीं है। तो यह मालूम करने के लिए हमें अभी क्या करनी है? कहानी पढ़नी है। ठीक है बच्चों, तो चलो पढ़ो मेरे साथ। अभी आपकी उंगली कहाँ पे होनी चाहिए? इधर। हाँ, वेरी गुड। चलो अच्छे से पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो हमारी कहानी का नाम है मनमोह जी। एक लड़का था मनमोह जी, न पढ़ता न लिखता, कभी इधर दौड़ता कभी उधर दौड़ता, खिलौने उठाता पटकता, घर भर दिन भर धमाचौकड़ी मचाता। तो एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम क्या है? मनमोह जी। और वो क्या करता था? पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता था, इधर उधर दौड़ता रहता था घर में, यहाँ से वहां पर जो उसके जो खिलौने थे वो पटकता रहता था। हाँ ठीक है। एक दिन क्या हुआ देखो, एक दिन उसने खिड़की से एक बौना देखा, वहां दौड़कर बाहर गया। बौना एक जादूगर था। तो बौना, बौना का मतलब आपको मालूम है? हाँ, जिसको मराठी में हम गुटका कहते हैं, यानी कि जिसकी जो हाइट होती है वो बहुत कम होती है, उसको हम बौना कहते हैं। हाँ, मराठी में उसको क्या कहते हैं? गुटका। ठीक है, तो एक दिन इस मनमोह जी ने खिड़की से बाहर झांका, तो बाहर झांकने से उसको क्या दिखाई देगा? एक बौना दिखाई दिया, और वो बौने को देखते ही बाहर चला गया, घर से बाहर चला गया, दौड़ कर चला गया। बौना एक जादूगर था। वो बौना कौन था? ऐसे आम आदमी नहीं था, वो था एक जादूगर। जादूगर यानी कि मैजिशियन, आपको मालूम है। हाँ, उसने जेब में हाथ डाला, जेब से रुमाल निकाला, फिर रुमाल को झटक कर कौवा निकाला। तो ये जो बौना जादूगर था वो क्या कर रहा था? जादू कर रहा था, वो कई प्रकार की जादू कर रहा था। जब ये मनमोह जी बाहर गया तो उसने क्या किया? अपने खुद के क्या किया? जेब में हाथ डाला और जेब में से क्या निकाला? रुमाल। और रुमाल को क्या किया? झटका हवा में, तो उसमें से कौवा उड़कर निकल गया। तो ये असल में हो सकता है? रियल में ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये तो जादू होती है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ देखो? कौवा आकाश में उड़ गया। तो फिर ये कौवा उस रुमाल से बाहर आया और वो आकाश में उड़ा चला गया। ठीक है, उसके बाद बौने जादूगर का जादू देख सभी लोग हैरान रह गए। ये सब जादू देखकर सभी को हैरान हो गए, सब अचरज में पड़ गए। चलो देखो, टोपी से खरगोश निकाला। टोपी में खरगोश होता है? असल में होता है नहीं, लेकिन इस जादूगर ने इस टोपी से क्या निकाला? खरगोश निकाला। वेरी गुड। उसके बाद तरह तरह के फूल निकाले उस टोपी में से। क्या निकाले? कितने कई सारे कलर के, कितने सारे रंग के फूल निकाले। उसके बाद छड़ी घुमाई तो जमीन पर फूल के पौधे उगाए। तो उसके हाथ में छड़ी है देखो, इसने हाथ में, हाँ उसको जादू की छड़ी कहते हैं। हाँ, तो उसने वो जादू की छड़ी क्या की? जमीन पर छड़ी घुमाई तो जमीन पर फूल आए। छड़ी को इस प्रकार घुमाया तो क्या हुआ? जमीन पर पौधे आए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? मनमोह जी को जादू देखकर मजा आ रहा था। ये जो मनमोह जी नाम का लड़का है, जो बहुत कैसा है, बहुत शरारती है ना आपकी तरह। हाँ, तो इसने क्या किया? जादू का खेल देखा बौने जादूगर का, तो उसको बहुत मजा आया। तभी मनमोह जी की मौसी कचौड़ी लेकर आ गई। तो भी क्या हुआ? मनमोह जी की मौसी आ गई। अभी अभी देखो, मौसी यानी कि कौन? हाँ, हमारे माँ की जो बहन होती है उसको हम क्या कहते हैं? मौसी।
ठीक है, जिसको मराठी में हम क्या कहते हैं, मावशी। हाँ ठीक, उसके बाद देखकर देखो, मौसी बोली मनमौजी गरम गरम कचौड़ी खाने घर चलो, तो ये औरत कौन है, मनमौजी की मौसी है, और उसने उसका हाथ पकड़ा है मनमौजी का, और उसको वो अपने साथ ले जा रही है घर चलो, और वो क्या बता रही है, मनमौजी मैंने क्या लाया है तुम्हारे लिए, गरम गरम कचौड़ी लाई है, तो वो खाने के लिए घर चलो। मनमौजी मौसी के साथ घर चल गया, उसे कचौड़ी जो खानी थी, तो मनमौजी को कचौड़ी अच्छी लगती थी, इसीलिए उसने क्या किया, वह मौसी के साथ घर चला आया। इस तरह से यह हमारी कहानी यहाँ पर क्या होती है, समाप्त होती है, यहाँ पे फिनिश होती है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये कहानी किस प्रकार लगी, अच्छी है ना। हाँ तो आपको और एक होमवर्क है, आपको मालूम होगा। हाँ तो यह जो कहानी है हमारे मनमौजी, यह आपको दो बार पढ़नी है, कितनी बार पढ़नी है, दो बार, और आप यह कहानी पढ़कर आपको अपने मम्मी को, दीदी को, भैया को, पापा को, सभी को अच्छे से सुनानी है। ठीक है बच्चों, हाँ तो इसके के आगे जो पढ़ाई है, यहाँ का अभ्यास है और हमारी वर्कशीट है, वो हम बाद में छुड़ाने वाले हैं, आज हम यहीं तक पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो अच्छे से घर में रहो, सुरक्षित रहो और ध्यान लगाकर पढ़ाई करो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।